फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और आप सभी का प्रीति सुपर स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं 5 ब्यूटी हैक्स फॉर होली। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जल्दी से प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 5 ब्यूटी हैक्स फॉर होली, जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जैसे कि होली आने वाली है और बस कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, तो हमारे जो फेस और हमारे हेयर को जो केमिकल कलर्ड होते हैं वो इफेक्ट ना कर सकें, तो इसी के लिए आज मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होली खेलने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक कलर ही यूज करना चाहिए, बजाय कि जो केमिकल कलर्स होते हैं उनको नहीं यूज करना चाहिए। हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए ऑर्गेनिक कलर्स को और हमें ऑर्गेनिक कलर्स ही खरीदने चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक कलर ही यूज करें, जो कि हमारे स्किन को इफेक्ट ना करें और हमारे स्किन बची रहे, हमारे स्किन और हमारे जो हेयर है वो सेफ रहे। तो अब बात कर लेते हैं अपने फेस की। तो जब भी हम होली खेलने जाते हैं तो सबसे पहले जो कलर होता है वो हमारे फेस पर ही लगता है। जो भी कोई कलर लगाता है वो सबसे पहले आपके फेस पर ही लगाएगा। तो इसके लिए आपके अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है। तो अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी स्किन को बचाने के लिए, ताकि जो हार्मफुल कलर है वो आपकी स्किन को इफेक्ट ना कर सके, तो उसके लिए आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों अपने फेस पर लगाना है। दोनों की एक थिक लेयर आपको अपने फेस पर लगानी है, जिससे कि आपका जो फेस है, आपकी जो स्किन है वो हार्मफुल जो कलर है उनसे इफेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी और आपकी जो स्किन है बिल्कुल सही रहेगी और कोई इसका असर नहीं पड़ेगा जो कलर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना है। तो अब बात करते हैं लिप्स की। लिप्स को हार्मफुल कलर से बचाने के लिए आप अपने लिप्स पर लिप बाम जरूर लगा लें। होली खेलने जाने से पहले लिप बाम जरूर लगा लें अपने लिप्स पर, जिससे कि जो हार्मफुल कलर्स हैं वो आपके लिप्स को इफेक्ट ना कर सके। अब बात करते हैं हेयर की। फेस के बाद जो कलर डाला जाता है वो हेयर पे ही लगाया जाता है। जब फेस हमारा पूरा कलर से भर जाता है तो उसके बाद जो कलर होता है वो बालों में ही डाला जाता है। हर कोई हेयर में कलर डालता है, तो हमारे हेयर को कलर से बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो हेयर्स हैं उनमें अच्छे से कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, तीनों में से कोई सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो उन दोनों ऑयल को में से कोई सा भी ऑयल आप चूज कर लें और उन दोनों ऑयल में से कोई सा भी ऑयल आप अपने बालों पर अच्छे से लगा लें होली खेलने जाने से पहले। फिर अच्छे से ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल को आप लगा लें, जिससे कि जो हार्मफुल कलर्स हैं वो आपके बालों को फ्रिजी और रफ ही ना बनाए और आपके जो हेयर हैं वो एज इट इज रहे और उनमें शाइनिंग बनी रहे। तो उसके लिए आपको अपने बालों में अच्छे से ऑयल लगाना है होली खेलने से पहले। तो अब बात करते हैं लास्ट टिप की। तो होली के समय हेयर ट्रीटमेंट और स्किन ट्रीटमेंट दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि ब्लीच, फेशियल या वैक्सिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग। तो इन सभी चीजों को होली के समय अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे मेरे 5 ब्यूटी हैक्स फॉर होली। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।